हनीमून के लिए ये लव बर्ड जो है वो जाने वाले, इतना वायरल जो हो रहे हैं ना सब, पहले दिन से ही समझा के भेजना चाहिए था, वो ससुर ही है, है ना। वेलकम टू माई चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग, एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो, भरपूर लाइक करने के बाद भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। तो बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। कल मैंने कमेंट सेक्शन में बहुत सारी बातें की हैं, जहां पर बातें करते हुए कुछ पॉइंट्स जो हैं साथ ही में मेरे साथ शेयर हो गई, किसकी, गुलाब सिंह की। जैसे ही नोटिफिकेशन आई मैं एपिसोड में गई, तो मेरे दिमाग में सीधा सीधा बड़ा ही पॉजिटिव सा ऐसा मतलब गाना गुनगुनाया गया ना अपने आप से ही, तो बड़ा ही लग रहा था कि अच्छा अच्छा है सब कुछ। लेकिन ऐसी कौन सी मेरी पैनी नजर ने पॉइंट नोट कर लिया जो मैं आप लोगों के साथ अब यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ। तो पहले तो वो गाना सुनिए जिसको देखते ही मेरे दिमाग में वो एपिसोड देखते ही आया था गाना, है ना। मैनू कुछ होर नहीं मैनू चाहिदा मेरी ता दुनिया तू, कुछ होर नहीं मैनू चाहिदा मेरी ता दुनिया तू। लेकिन ऐसा कुछ था, इतने में एपिसोड जैसे ही आगे बढ़ा मैंने उसमें क्या देखा, कुछ पत्तियां। देखिए मैं एक चीज आपको बताती हूँ, अब जो लोग भी यहाँ पर आएंगे कहने के लिए, बोलने के लिए, तो मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ कि बड़े ही गौर से देखना इस एपिसोड को। आंखें तो आपकी खुलेंगी खुलेंगी, लेकिन संस्कार जो है, संस्कार नाम की चीज ही नहीं, है ना। तो भाभी जी घर पर हैं, नोक नोक नोक, भाभी जी घर पर हैं, तो संस्कार नाम का चीज नहीं है क्या चंपा, ये तुमने क्या किया। तो ऐसा ही कुछ थंबनेल और टाइटल था मेरा कल का, लेकिन एपिसोड आज बन रहा है। एक बाप जो है वो शर्मिंदा हो गया खुद अपनी ही बेटी का एपिसोड देखकर। तो जी आज का ये होगा टाइटल। तो बढ़ते हैं अपने एपिसोड की ओर। तो बताना चाहती हूँ कि पहले दिन ही गुड मॉर्निंग के साथ, जो मुझे लगा था चाय के साथ कप का, चाय कप के साथ उठाया जाएगा पति परमेश्वर को, है ना, थोड़ा ये कि देखिए मैंने नहा लिया, मैंने शार ले लिया है, मैंने शार ले लिया है, ऐसे करते हुए वो उठाएगी, है ना। शायद उसका वीडियो शूट वो नहीं करेगी, सिर्फ बताएगी। लेकिन भैया ये तो बंदी बहुत फास्ट निकली, है ना, इतनी फास्ट निकली कि इसने अपने नंदों को पछाड़ दिया। अच्छा जी आपने उठते ही व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, वही वाह क्लैप। और गुलाब सिंह भी झूठ मूठ के, भैया तुम्हारी नशे वाली आंखें, तुम्हारी नींद वाली आंखें वो भी हमें पता है, और तुम्हारा झूठ मूठ का नौटंकी करना वो भी गुलाब सिंह पता है। लेकिन वो चीजें दिखाना कि भाभी ने, देखिए यहाँ पर बहनें तो नहीं सजाती हैं सेज, लेकिन भाभियां सजाती हैं ना, तो ये भाभी का भी एहसान उतारने के लिए बार बार उसका नाम जो है वो रिपीट करते हुए नजर आ रहे। लेकिन वो मैं आगे बताऊंगी, यहाँ पर तो फिलहाल यही बताऊंगी सेज कैसे सजाई गई थी। घर के ही वो झाड़ है ना, इनके पेड़ लगे हुए हैं गुलाब सिंह के, है ना, तो गुलाब सिंह को गुलाब की पत्तियों के साथ ही से सजाई गई थी, है ना। बहुत ही प्यारी सी बेडशीट थी, और आप लोगों ने देखा होगा कि उसने वो जो टेडी बियर वाला वो जो नाइट वियर पहना हुआ था, नाइट सूट पहना हुआ था, है ना। तो मैं बताना चाहती हूँ कि हमेशा ही ब्रांड 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 करने वाली, अरे भाई कोई जूलियट का ले देते नाइट सूट, या फिर किसी और ब्रांड का ले देते, अच्छा सा तो ले देते उसको नाइट सूट, या फिर दुल्हनिया जो है नाइट सूट में नहीं, यहाँ पर एक एक्चुअली में सूट में त्यार व्यार जैसे दुल्हन होती है वैसे जैसी नजर आई थी तुम बाद में, वो सूट पहले ही वेयर करके जो है एपिसोड शूट करती तो थोड़ा सा संस्कारी नजर आती। लेकिन चंपा तुम तो बहुत ही तेज निकली भाई, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी तुमसे, तुम ऐसा कुछ करोगी, है ना। तुमने एपिसोड में वो जो बबली सा वो ऐसा वाला तुमने सूट पहना हुआ था, है ना, तो बिल्कुल ही वैसे ही लग रही थी जैसे कि एक टेडी बियर को पहना दे ना, तो उसका जो पजामा रहता है वो कैसे फूला फूला सा रहता है, वैसे वाला उसका पजामा था। और मेरी नज़र तो भैया सब तरफ जो है वो घूम गई, और मैं हैरान रह गई कि चंपा ये तुम्हें नहीं करना था, तुम्हें ये आज के दिन नहीं करना था, नेक्स्ट तुम कैसे भी करती रहती। और वहां पर गुलाब सिंह का बार बार बकवास में बोलते रहना, उसको लगा कि शायद मैं कुछ अच्छा लग रहा हूँ, है ना, ऐसा बोलता हुआ, मतलब अच्छा फील वो तो करता होगा लेकिन बाकियों ने अच्छा फील नहीं किया। बाकियों के फेस पर इतनी बड़ी सी स्माइल आती रही, वो हंसते रहे, दांत उनके निकलते रहे, हंस हंस के पेट उनके दोहरे हो गए, क्योंकि गुलाब सिंह का यही बार बार रिपीट करते रहना, चंपा मुझे सोने दो, चंपा तुमने मुझे सोने नहीं दिया, मतलब उतावली कौन निकली, चंपा
ठीक है जी। और यहां पर एक्साइटमेंट से भरी हुई चंपा, वो अपनी कहानी सुनाती हुई चंपा, कौन सी रात की कहानी सुनाती हुई चंपा, ऐसा ही कुछ एपिसोड लेकर वो सबके सामने आ गई। भैया वहां पर पापा जी कहते हैं मैं देख ही लूं, मेरी बिटिया का जो है दमाशा का एपिसोड रिलीज हुआ है, मैं देखू मेरी बिटिया कितनी खुश नजर आ रही। जैसे ही उन्होंने देखा तुरंत ही उन्होंने बंद कर दिया। तो अब जैसे ही चंपा अपने घर बोली, उन्होंने उसकी माँ को बोला इसका संस्कार नाम का चीज नहीं है का, इसको थोड़ा समझाइए, अभी आती है थोड़ा इसको थोड़ा गुर्राइए और समझाइए कि देखिए तनिक भी ऐसा नहीं करने का, ऐसा नहीं दिखाने का, अपनी डेली रूटीन दिखाओ ना, ये सब प्यार वाली बातें लव बर्ड्स ये सब चीजें मत दिखाओ, है ना। और उधर वो जो साली साहिबा है, थैंक यू तो बोल दो यार तुम लोग, है ना। हम लोगों ने अगर मैंने सिर्फ मैंने यहां से ना बोला होता ना क्लिचड़ी का, तो तुम्हें क्लिचड़ी नहीं मिलनी थी, बेशक दूसरे दिन ही मिली है ना, पर मिल गई तुम्हें क्लिचड़ी, थैंक यू बोल देना। और मेरा जो आइडिया यहाँ से दिया गया कि ऐसे फूलों के साथ तुम लोग वेलकम करोगी, आया कि नहीं आया काम? और मैंने पहले ही बता दिया 4 दिन पहले ही, जब अभी डोली विदा होके भी नहीं आई थी, मैंने पहले ही बता दिया कि चंपा का होगा स्वागत, केक कटिंग भी होगी, हो गई ना। भैया अगर डिंपल जी के आइडियाज आप लोगों को पसंद आते हैं थोड़े से तो बोल दिया करो, बोलते क्यों नहीं हो, बता दिया करो। अब चलो जल्दी 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 से चंपा की बहनें खोल लें जल्दी से अपने भी चैनल, क्योंकि फेस वैल्यू तो उनकी बनी चुकी है। और वहां चंपा को पता है कि प्यार से अपनी नंदों से कैसे काम निकलवाना है, ये उसने उनके एपिसोड से, उनकी जो होती ना वीकनेस, वीकनेस कह लें जहाँ उनकी वीकनेस जो है वो पकड़ चुकी है चंपा, कैसे तारीफें करते करते इन लोगों से काम निकलवाना है। लेकिन चंपा के आगे जो झूठी है वो एज्ड लगी, ओह माय गॉड, बड़ी बहन ही लगी है ना, ऐसा मैंने देखा। और जी मैं यहाँ पर कुछ और बातें बताना चाह रही हूँ जो कि मेरी नज़र ने जो है वो पकड़ी थी बातें। मेरी नज़र ने ये भी देखा वहां पर कि नंदे जो हैं वो बिस्तर ठीक करेंगी, बिल्कुल नहीं चंपा, ये यहाँ से डिंपल व्लॉग्स के यहाँ से कहा जाता है अरे उस लड़की को जो कि शादीशुदा है या फिर जिसकी शादी होने वाली है, वो अपना बिस्तर खुद से समेटे, ठीक है। ये एक अच्छे संस्कार होते हैं कि आप अपना बिस्तर अपनी सास से अपनी नंदों से बिल्कुल भी साफ नहीं करवाओगी। सास वर्ड मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि चाची जो है वो सिर्फ आपकी हाउस हेल्पर नहीं है, वो चाची सास भी हैं, आपका रिश्ता है उनके साथ, ठीक है। आप उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हो, ठीक है जी, इसलिए वो आपके बड़े हैं, आप उनसे जो है, आपकी नंदे भी आपसे बड़े हैं, आप उनसे चाहे छोटी नंदे भी हो आप उनसे अपना बिस्तर ठीक नहीं करवाओगे, तो ये बहुत गलत बात होती है, आप उनसे अपने मैले कपड़े भी नहीं धुलवाओगे। चंपा मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ, अगर वाकई में तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें समझ देकर भेजी होती ना, तो वो तुम्हें कहती बिटिया अपना सारा सामान जो है तुम खुद से समेटोगी और तुम खुद से अपना बिस्तर ठीक करोगी और अपने जो कपड़े हैं धोकर वो तुम फैलाओगी खुद से, ठीक है। और जी अपनी नंदों को भी सम्मान दोगी। यहाँ पर जो नंदे हैं उनके बड़े ही पॉजिटिव एपिसोड आए हैं, तो जी झूठी का वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही पॉजिटिव, वाक्य में दिल को छू गया, ऐसा मुझे क्यों लगा वो मैं बाद में शेयर करूंगी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है चंपा के संस्कार, जो कि मुझे नहीं वो चीज़ें अच्छी लगी। चंपा ने तो खुलकर वो चीज़ें बोल दी हैं यहाँ पर, लेकिन नहीं वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर अपनी ही भाभी को जिसको भूले बैठे हुए थे, अचानक से अब याद आ गया कि उसको भी एहसान है, उनके बहुत एहसान है हमारे ऊपर, अब जो है उनके एहसान उतारने का दिन आ चुका है, ठीक है। सो ये लोग अब उनका बार बार नाम लेंगे और उनको जो है, एक्चुअली में अच्छे एपिसोड उनके जा रहे थे, 50K 51K है ना, ऐसे मतलब उनके व्यूज आ रहे थे, लेकिन बीच में वो उन्होंने बंद ही कर दिया क्योंकि उनका पार्लर का काम है और वो उनका बहुत अच्छा चल रहा है और वो दिल की इतनी साफ है, उनको पैसे वैसे की कोई भी वो लालच नहीं है, लेकिन उन्होंने इनको प्रमोट किया था, इनको ये जो प्लेटफॉर्म है वो उन्होंने दिया था, झूठी कुछ भी कहे, है ना, ये वो बात है। और यहाँ पर ये भी बात है कि आज जो है एक माँ का भी बहुत ही प्यार जो है मुझे नजर आया, लेकिन चंपा का ऐसे खुल के सामने आना, मुझे ये चीज़ें अभी अच्छी नहीं लगी क्योंकि एक्चुअली में आप अभी न्यूली मैरिड हो। अच्छा जी शॉपिंग तो इतनी शॉपिंग की, लेकिन अभी फिर से शॉपिंग, क्योंकि हनीमून के लिए ये लव बर्ड जो है वो जाने वाला है, लेकिन उसके लिए इन्होंने शॉपिंग पहले से नहीं की थी, बार बार शॉपिंग। मैं कहती हूँ
शादी की अगर शॉपिंग की होती ना, साल 6 महीने कपड़े खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि आगे दिन त्योहार शुरू हो जाएंगे, वो भी सब कपड़े मिलेंगे, लोहड़ी भी मिलेगी, सब चीजें होंगी, है ना। अब यहाँ पर एक चीज मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप हमें डिंपल जी ये बताइए, क्या ऐसे ही वेलकम जो है पुत्तन का भी हुआ था उसकी ससुराल में? तो मैं बताना चाहती हूँ कि अब पुत्तन का क्या हुआ, छोड़ दीजिए वो बातें, लेकिन आप मुझे ये बताएं, क्या नन्नू का स्वागत ऐसे हुआ कभी ससुराल में? कभी भी नहीं। शायद मैंने उस समय आइडियाज नहीं दिए थे, आइडियाज तो अब मिले हैं, लेकिन नन्नू को बर्तन धोने के लिए बोला जाता था, वो नहीं धोए, लेकिन इनके अपनी आदतें हैं कि दामाद वगैरह से ये बर्तन धुलवाएंगे, आटा गुंदवाएंगे, मोटू को सबने देखा है। लेकिन यहाँ पर बहू के जो है मैले कपड़े उठाने से लेकर उसका बिस्तर साफ करने के लिए तत्पर है ये दोनों नंदे, है ना। और वहां पर अब जो फेक सा लगा मुझे किसका, पुत्तन का, थोड़ी फेकनेस उसकी नजर आई है, क्योंकि उसको हमेशा से ही कॉपी कैट कहा जा रहा था, लेकिन मुझे नहीं लगता था, मुझे यही लगता है कि पुत्तन तुम बहुत कुछ अच्छा कर सकती हो, लेकिन तुम्हें अगर आदत पड़ी हुई है कॉपी कैट बनने की तो कोई क्या करे, है ना। वहां पर जूठी ने जैसे आज उसको बोला कि चलो काम पर लगो, जो जो काम करने वाला तुम कर लो, लेकिन नहीं, वो अपनी ही जूठी का एपिसोड देख रही है और देख कर वैसा ही कुछ बताने करने की कोशिश करी। कल के एपिसोड में मैंने बताया भी, वैसे आंखें बंद करके झूला झूलती हुई वो नजर भी आई है। बहुत सारे और पॉइंट है, लेकिन चंपा के आने वाले दिनों में आप लोगों ने एपिसोड देखोगे, लेकिन फिलहाल चंपा को ये नहीं पता जिस एडसन से वो, है ना, आईडी से वो बना रही इस समय एपिसोड, वो वायरल भी जरूर से ही होंगे। न्यूली मैरिड को, कपल को इस समय देखना, वायरल जो हो रहे हैं ना सब लोग, न्यूली मैरिड के जितने भी एपिसोड है, वहां पर वैजी पाजी की भी 7 मार्च को ही, सॉरी मार्च नहीं, जे 7 दिसंबर को ही मैरिज थी, और उनकी जो डेस्टिनेशन थी वो थी राजस्थान से, उन्होंने करा था बहुत ही अच्छा, लेकिन मैं अपने टॉपिक से नहीं हट रही हूँ। उनके बहुत ही वीडियो जो है वो वायरल हो रहे हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे उनके एपिसोड आ रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव वाले। देखिए वही दिखाइए दुनिया को जो कि आप कहें कि हाँ हमारे साथ ये अच्छा हुआ, हम चाहते हैं कि आप भी अपनी शादी में कुछ ऐसा करके दिखा सकते हो, है ना, जहाँ ऐसे कर सकते हो। लेकिन इन्होंने अपनी शादी में क्या दिखाया, कुछ भी नहीं दिखाया, जैसा कि एक्चुअल में बड़े व्लॉगर जो हैं वो करते हैं, छोटी छोटी चीजें खाने पीने से लेके, ताकि आपके व्यूअर्स की आने वाले टाइम में जिन लोगों की शादी होने वाली है या फिर जो भी है, जहाँ फिर उन्होंने एक्सेसरीज खरीदनी है, जहाँ फिर उन्होंने कपड़े लेने हैं, बरी बनानी है, दाज बनाना है, और कैसे और कहाँ कहाँ से बना सकते हैं और अपनी चीज़ों को वो कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, यहाँ पर हबड़ा दबड़ी थी और मैनेजमेंट मुझे नज़र नहीं आई थी। और यहाँ पर चंपा का इतनी जल्दी ही एक ही दिन में, एक ही रात में व्लॉगर बनकर सब लोगों के सामने आना, वो चीज़ें भी मुझे हजम नहीं हुई है, मुझे अच्छा नहीं लगा है। देखिए हजम नहीं होना अलग चीज़ है, ये बातें हजम नहीं हुई हैं मुझे, जो कि मैं कहती हूँ ना, चंपा बहुत सुलझी और समझदार लड़की है, ठीक है, अगर है तो दादी जो है सब एपिसोड देखती हैं, अब दादी की जिम्मेदारी बनती है समझाना, लेकिन मैं कहती हूँ कि पहले दिन से ही समझा के भेजना चाहिए था, एक बहू को थोड़ा सा तो शर्माना चाहिए, थोड़ा सा शर्माना चाहिए, है ना। बेशक आपके घर में यहाँ पर ससुर नहीं है, लेकिन आपके नेबर जो हैं वो ससुर ही हैं, है ना, वो बड़े ससुर हैं, बड़े पापा हैं, ठीक है, थीके? और जो चाचा हैं वो आपके घर पर हाउस हेल्पर के जो है वो पति नहीं है, वो आपके चाचा ससुर भी हैं। सो थोड़ा सा चंपा को, है ना, अपने आप को रिजर्व करके चलना पड़ेगा, बड़ों की जो है रिस्पेक्ट करते हुए जैसे अभी नजर आई है वैसे ही आगे भी उसको रिस्पेक्ट तो करनी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोल जो है वो उसको करना पड़ेगा इन सब बातों को लेकर। जैसे ही एक्सपोज किया है चंपा ने आज अपने हस्बैंड, अपने रूम को लेकर सब चीज़ें जो करी हैं, वो चीज़ें मुझे शायद अच्छी नहीं लगी हैं, आपको लगी हैं तो आप लोग जल्दी से जो है लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में कि हाँ दीदी ऐसे नहीं ऐसे था। तो चलिए, तो अभी तक का मेरा वीडियो यही तक का था, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जबरदस्त वीडियो जिसमें होगा कि हाँ जी झूठी के लिए वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस का मुझे क्यों लगा, वो लेकर मैं जल्दी आप लोगों के सामने हाजिर होंगी। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।